नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल दे उपर। मैं मनी शर्मा हाथ जोड़ के तुहानू नमस्ते कहनी है। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। और अज मदर्स डे स्पेशल वास्ते उन्हां सारियां माताओं नू जी मेरा चुक के प्रणाम है। और उन्हां बच्चियां नू भी मैं शाबाशी देवांगी जो अपनी माताओं के नाल रह रहे हैं, जिन्हां दीआं जो मदर्स हैं उन्हां दे नाल हैं जी। उन्हां बच्चियां वर्गा अमीर कोई नहीं हाल दे समय, ठीक है? नहीं तो जी आधुनिक समय का ये यथार्थ तुहानू पता ही है, तो बड़ा दुखदाई है ना। चलो ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करते, आप अज के दिन की अहमियत में बनाई रखते हैं। अज आप जिस परसनैलिटी की गल करनी है ना जी, बहुत ही बेहतरीन परसनैलिटी है। पंजाबी किस्सा काव्य साहित्य के विच बहुत ही प्रसिद्ध हस्ताक्षर वारिस शाह की बेहतरीन और शाहकार रचना हीर। स्क्रीनशॉट लो। हीर के ऊपर गल करनी है जी आप। जो वारिस शाह ने हीर लिखी है, देखो हीर रंजा नहीं है टाइटल, ये टाइटल कली हीर है। और चलो जी हीर के ऊपर गल कर लें, है ना जी। देखो जी वारिस शाह तो पहला भी हीर की रचना रची गई है जी, आप सबने पता दमोदर पहला है जी साडा किस्सागार। और पुछया है पर वो मिलता नहीं है, इस करके आप जो है वह दमोदर तो ही काम जो है वो शुरू कर दें। तो जो वारिस शाह है इन्हें हीर की सुंदरता का असीम बयान करे जी अपनी रचना के, ठीक है? तो जिते दमोदर जो है वो रांझे की सुंदरता का बयान कर रहा, उ वारिस हीर की सुंदरता का बयान कर रहा है ना। तो तुसी मेरी एक परसनल रिक्वेस्ट है थानू कि तुसी हीर पढ़नी जरूर है, ठीक है ना। सिर्फ मेरे कहने नाल वो ना कि गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं दस सकता। मैं थोड़ा किन्ना ही कही जावा कि बेहतरीन रचना जब तुम पढ़ते नहीं ना तो आनंद नहीं महसूस कर सकते। इस करके महाआनंद महसूस करना है जो रचना उन्होंने पढ़िया करो। जो वारिस शाह इन्होंने ये जो जन्म और ये मृत्यु दिया जो तारीखा इन्हों के उपर काफ़ी अदला बदली है। मैं तीन चार किताबा वाचिया, थोड़ा जहाँ अगर पिछा है इस करके मैं नहीं लिखिया। थोनों में कितों पढ़ाया जा रहा है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का इतिहास है, एक सेलसर की बुक चो, ये नोट्स सारे थोड़े को। और जेडे क्वेश्चन के थोड़ा जहा अगर पिछा हो ना क्वेश्चन कभी भी एग्जामीनर पाता नहीं है पेपर से, एक गल होर ख्याल रखो, ठीक है। तो चलो जी वारिस शाह के ऊपर गल करते हैं। पिता का नाम है कुतुब शाह, पिंड जंडियाला शेखपुरा, उस्ताद मखदूम कुसैरी कसूरी, सॉरी नॉट कुसैरी कसूरी। उस्ताद का नाम है मखदूम कसूरी और यह सैयद कुल नाल संबंध रखते। कुल होंदा एक घराना कह सकते आप, है ना। और यह सैयद है जी, कौन? वारिस शाह। और हीर की जो भाषा वो केंद्रीय पंजाबी है जी, ठीक है। और इन्हें हीर रचना की ढल की उम्र मतलब वडेरी उम्र से लिखी है जी। कितने लिखी है? मलिका हांस पिंड है, जिला है मिंट गुमड़ी। वो गूगल सर्च कर लिया करो, थोड़े च रोचकता नहीं पैदा होंगी कि जिते इन बेहतरीन बेहतरीन रचनावान रचिया गई असं उन्होंने जगह में वेख ही लीए गूगल के उपर भी कितने आज के समय से, है ना। असं जा ही आईए। मलिका हांस जिला मिंट गुमड़ी हीर रची गई है। कदों रची गई है जी? 1765 या 1766, ठीक है ना। दोनों ही सन आएंगे 1765 1766, ठीक। हीर रची है जी, इन्हें बैद छंद के हीर रची है वारिस शाह ने। कहा जाता है कि वारिस शाह का प्रेम एक भागपरी नाम की स्त्री ना रहा और अपने उपर बीतिया यह सारा दुख उन्हें हीर रांझे की स्टोरी दे रूप में बयान किया, ठीक है ना। एक वड्डी गल है, जो भी कोई लेखक है या कोई रचनाकार है ना, वो जदों तक उस चीज़ में अनुभव नहीं ना करेगा वो थोड़े अगे पेश ही नहीं कर पाऊगा कभी भी, ठीक है ना। यदा एक बेस्ट एग्जाम्पल दसा थो मैं, नानक सिंह का पवित्र पापी पढ़िया होएगा जी सब ने। उस जदों केदार अद्धी रात में वीणा दे कोल आंदा है ना, अपना प्यार जो है वो प्रस्तुत कर आंदा ना, वो देखियो बड़ा बेहतरीन वो वाला पूरा सीन है। तो रात में अद्धी रात में वीणा के मंजे की बाहीं पर आके बहिंदा है ना, पर वो एक लिमिट ही रहिंदा है जी। वह कुछ भी नहीं कर पाता, मतलब कि ना उन्होंने कह पाता ना उन्होंने छू पाता। ये रीज़न यही है कि नानक सिंह ना एवें अफेयर की बजाय कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है ना।
और उही रसा है कि जो बंदा अपने अपने अनुभव च हंडाया हुंदा ना उन्हें उन्हों बेहतरीन नाल बयान कर सकता है। उही है कि वारिश आ एक धारणा अनुसार है। मोहन सिंह जी इस गल क्या करते हैं, वो इन्हों नकारते हैं भी एवं कुछ नहीं है, भाव परी उन्हें हरेक स्त्री वास्ते वरते हैं, वो एवं भी कहते हैं चलो है नहीं खाओ। तो भाषा केंद्रीय पंजाबी है जी, और वैद छंद के विच इन्होंने हीर जो है वो अपनी रची है। तुसी जे थोड़ा जा भी हीर बारे जानते हैं तो उहदे विच एक कॉन्सैप्ट आता है कि पंज पीर ने जो आए वह आशीर्वाद देने आए हीर रांझे नूं, पंज पीर है ना। क्वेश्चन ये आया कि वह पंजा पीर के नाम दसो, तो उन्होंने पंजा पीर के नाम क्या है आओ जरा देख लीए। ख्वाजा खिजर शकरगन बोल, जकरिया पीर सैयद जलाल बुखारिया, लाल शाहबाज शैश। ये है जी पंज पीर, ठीक है। थोड़ा होमवर्क है तुसी पंज फरिश्तिया के नाम दस्यो मैं कमेंट बॉक्स के, ठीक है। दसता मैं भी देने तुहानू, और थोड़ा खुद भी सेल्फ स्टडी वास्ते तुहानू मोटिवेशन मिल जाएगी। साडी जिहड़ी नवीं खोज है वो तो कहती है कि वारिस की इको एक हीर ही रचना है जी, ठीक है। पर कुछ रचनावां इहदे नाम नाल जोड़ियां भी जांदियां, उह किहड़ियां किहड़ियां वेख लैंदे हां जी। मियां राजनामा, चूहेटरीनामा, दोहड़े अभियान आरा है, ठीक है ना। अब या ये कुछ एवं रचनावां है जो वारिशां नाल जोड़ियां जांदियां, पर देखो फिलहाल तो जो है वो हीर का ही कॉन्सैप्ट चल रहा है जी, ठीक है। और ले दे के हीर प्रति क्वेश्चन जो है थोड़ा आना है। तो वारिशाह के उपर क्वेश्चन बहुत घट आता, वो रचना हीर के उपर थो बड़े क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हीर सुखांत है कि दुखांत, देखो दुखांत है यदि हीर, ठीक है ना। कहते हैं कि यह दुखांत जो है सिर चढ़ के बोलता है जी, बहुत ही बेहतरीन किस्सा है, तुसी प्लीज पढ़ो इनू। बैठ छंद के विच जो है वो यह रचना मिलती है जी। सानू बैठ छंद है क्या ये भी बताना चाहिए है ना। बैंस छंद रट्टा तो असं बहुत लाया हुआ है। बैंस छंद हों क्या, प्रीवियस वीडियो वेखियो, मैं उस गल की हुई है छंद के, छंदा के उपर मात्रिक छंद वर्णिक छंद कि होंगे हैं। तो बैंस एक मात्रिक छंद है, मात्रावान की गिनती होंगी है जी। मात्रावान कि जी ये भी गल हो चुकी है पिछलिया वीडियो, प्लीज़ वेख लियो जाके। देखो जी एक होंगी है लघु, एक होंगी है गुरु, या दीर्घ भी आ सकती है जी, तो लिखा हुआ गुरु की जगह। आओ जरा इस गल कर लें, ठीक है ना। एक होंगी है लघु, एक होंगी है गुरु, इतना लाइन मार दें। लघु कि होंगे, दीर्घ कि होंगे, पहले तो यही थोड़ा पता होना चाहिए है ना। मैं लगता मेरी पहली ही वीडियो है पी एस टेट वास्ते पाई मैं बच्चों सर्दियों के दिनों शायद जनवरी के महीने, तो वह मैं सारा दस तुम प्लीज़ वो वेख लियो। यह तीन लघु है, इन्हों छड़ के बाकी सारिया क्या है गुरु है, ठीक है। हमें केड़िया सारिया तुम्हें पता होना चाहिए, मुक्ता करना सियारी बिहारी औंकर दुलैंकर लावा दुला होड़ा करोड़ा ये सब आते ना, सू मुहार नहीं आती हले पढ़ लिखी हुई है, आ मुहार नहीं है थोड़ी सारी, ठीक है। ये तीन लघु है केड़िया, अ ई उ, अ मुक्ता, ई सियारी, ऊ औंकर। जिथे थानू ये तीन मात्रावान दिख रही हैं वह लघु है, उन्होंने तुम एक गिनना, इसके बाद जिन्या भी दिख रही वह गुरु उन्होंने दो गिनना, ठीक है ना जी। अ ई उ यह लघु है, इन्होंने एक गिनना, इन्होंने गिनने वास्ते एक चिन्ह जो है वह अंकित करा जाता है एवें, और गुरु वास्ते एवें, ठीक है ना। यह मतलब दोवे का मतलब एक है, ठीक है। तो बैंत छंद क्या कहा गया है, देखो वैद छंद छंद विधान है, ठीक है ना। पिंगल ऋषि ने सानू छंद विधान दिता है जी, और पिंगल बांध कविशरी गीता बांध क्या, ये लाइन थानू सबनों पता ही है कि पिंगल ऋषि ने जो छंद विधान दिता ना जी, उन्होंने पढ़ो वो जो रूल एंड रेगुलेशन है एक कविता लिखने वास्ते, वो थानू पता होने चाहिए हैं, उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ही तुसी कविता लिखनी है। यही कॉन्सैप्ट है, किन्ने चरण होने चाहिए है, कितने पहला विश्राम आना चाहिए, कितने दूजा आना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट च कि मात्रा होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए, गुरु होनी चाहिए है, यह सारा कॉन्सैप्ट है। एनी डिटेल च मतलब तुम हम ज्ञानी बनना नहीं है, तो पेपर ही क्रैक करना है ना, तुम तो शॉर्टकट चाहिए, तुम तो सक्सैस का शॉर्टकट लगते हैं है ना। चलो आ जाओ जी शॉर्टकट वास्ते ही अस बैठे हुए।
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੈਤ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆਓ ਜਰਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 40 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 20 ਪਰ ਦੂਜਾ 20 ਪਰ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 19 ਪਰ ਦੂਜਾ 21 ਪਰ ਟੋਟਲ 40 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਓ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਰਾ ਹੀ ਰਾਖਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਮਨ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜੀ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਰਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਠੱਠਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਆਈ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਲਾਮਾ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਘੂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਰਾ ਗਿਣੋ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਿਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਔਰ ਇੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਘੂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਣੋ ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਧਿਕ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਲਘੂ ਗੁਰੂ ਜਿਗੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਲਘੂ ਹੁਣ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਣੂੰਗੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਵਾ ਕੱਲਾ ਲਘੂ ਜਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਬੈਤ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਦੀਰਘ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਉੱਨੀ ਉੱਨੀ ਇੱਕੀ ਉੱਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਥਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਗਿਣ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੈਤ ਛੰਦ ਆ ਇੱਕੂ ਲਘੂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਹੈ ਦੀਰਘ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਤ ਛੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਨੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਸੀਮ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਵਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 'ਚ ਵਿਛੜਨਾ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਇਹਦੀ ਹੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਦ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੀਆ ਕਰੋ ਰੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ
तुसी अनुमति दो। नमस्कार।